हेलो एवरीबॉडी और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करने वाले एक ऐसे बंदे के बारे में जो मुंह में चांदी का चम्मच लेके बैठा हुआ है। इस बंदे ने इतनी मेहनत की है कि इसके सारे सब्सक्राइबर भाई दहेज में मिले इसे। जी हाँ, आज हम बात करने वाला हूँ अमित बड़ा ना के बारे में। तो आओ यार, बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। अगर ऐसी एंट्री मैंने स्टेज पे मारी होती ना, तो 1-2 किलो टमाटर तो मेरे चेहरे पे गिर के आते। भाई तुम्हें 1 करोड़ लोगों ने सब्सक्राइब किया है भाई, ऐसे एंट्री मारोगे जूते चप्पल तो मिलेंगे ना भाई। वो तो तुम्हारा लक अच्छा था कि तुम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आए थे, नहीं तो भाई अच्छी खासी पिटाई हो जाती। इससे अच्छा अगर तुम अपने 7 मिनट का परिचय गाना लिपसिंग भी कर लिए होते ना उस गाने का, तो वो भी हम सहन कर लेते। लेकिन ये एंट्री भाई माफी के लायक नहीं है। ओके, अच्छी बात है, मेहनत सब करते हैं, आपने की, कांग्रेचुलेशन। अच्छा समझ गया भाई, अच्छी बात है, आपने मेहनत की है, कांग्रेचुलेशंस, काफी अच्छी बात है। मैंने की है मेहनत। अरे भाई बस बहुत हो गया यार, समझ गया मैं तूने मेहनत की। अब क्या 100 बार रिपीट करेगा, ढिंचक बुझाए तू, नहीं है ना, फिर क्यों? बस हो गया भाई, मेरा हो गया भाई, मैं नहीं देख रहा भाई, बस खत्म। अगर मैं बात करूं अमित बड़ाना के बैकग्राउंड के बारे में, तो इस बंदे ने इतनी ज्यादा मेहनत की है कि जिसकी कोई हद नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इन्होंने 1 साल में मोर देन 2 मिलियन सब्सक्राइबर हिट कर लिए और ये बन गए हैं इंडिया के नंबर 1 इंडिविजुअल क्रिएटर। अब आप लोग सोच रहे हैं कि भाई अगर ये नंबर 1 है इंडिया में तो कितना अच्छा होगा इन भाई का कंटेंट। तो चलो आपको एक एग्जांपल देता हूँ इनके कंटेंट का। भाई बंदी देखो बंदी। This is for you. चैम चंका फोन स्पेशल कम फ्रॉम योगांडा 367,289 रुपए का। जब ये वीडियो मैंने पहली बार देखी ना, मेरा दीवार पे सर पटकने का दिल कर रहा था। भाई आखिर क्यों तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंटेंट बनाने की जरूरत है भाई? सीधा सारा कंटेंट बना के भी लोगों को खुश करा जा सकता है। लेकिन नहीं, हम तो निकले अल्ट्रा लेजेंड ठरकी लौंडे। हमें पता है कि लोगों को ठरकी चीजें देखना पसंद है, ठरक का तो भाई काम ही नहीं है। 9 साल के बच्चे भी यहाँ पे पॉन ढूंढने को आ जाते हैं, तो भाई अमित बड़ाने की वीडियो कम पड़ जाती है क्या? नहीं भाई, हम तो अमित बड़ाने की वीडियो देखेंगे और आप अपनी ठरक पूरी करेंगे, और ये बंदा भी उसका आपको 101% कंप्लीट करने का काम करता है। अभी और सुन यार, लौंडे की शक्ल तो देखो भाई, शक्ल पे लिखा है कि कितना ठरकी लौंडा ही है। इसकी मम्मी सुबह उठ के से देख लेती होगी और पहचान लेती होगी ये आज कुछ कांड करने जाने वाला है। अगर हम बात करें बीबी की वॉइस की, तो उनके हाईएस्ट व्यूज है एक वीडियो पे, वो है 28 मिलियन व्यूज। वही अगर हम बात करें हमारे अमित बड़ाना जो कि ठरकी लौंडो के सरताज है, उनके हाईएस्ट वीडियो पे व्यूज आ जाते हैं 31 मिलियन। अमित बड़ाना ओवर एक्टिंग, स्टीरियोटाइप और मिसोजिनी का कंप्लीट मिक्सचर है। अगर फिर भी तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं होता ना, तो भाई ये क्लिप देख लो। हैप्पी बर्थडे। ये मेरे घर के कागज भी तुम्हारे, ये मेरी कैब भी तुम्हारी, ये मेरा पर्स भी तुम्हारा, ये मेरी गाड़ी की चाबी भी तुम्हारी। I am deleting my channel. कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? Literally इस वीडियो को 21 मिलियन व्यूज है। यार तुम समझ रहे हो, 21 मिलियन लोग इस चवल एक्टिंग को देखना पसंद करते हैं। और या हम पागलों जैसे वीडियोस बनाते हैं, एडिटिंग करते हैं, हमारे तो कोई इज्जत ही नहीं है। अगर तुम्हें भी अगर सक्सेसफुल होना है ना यूट्यूब पे, तो तुम्हें ऐसे ही ठरकी वीडियो बनाने पड़ेंगे और इन भाई साहब को अपना सरताज बनाना पड़ेगा। और हमारे भाई अमित बड़ाना जी अपने शायरी के लिए बहुत फेमस है। मास्टर बिनू कहते इसे ना पढ़ाना, नाम है मेरा अमित बड़ाना। जब लौंडा लौंडिया राजी, तो साथ में खाएंगे पाव भाजी। वर्क इन प्रोग्रेस पर है बॉडी, घर से लाया हूँ ओडी। मत करियो फ्रेंड जोन, पास है मेरे आईफोन। पता नहीं तू दिल में आएगी या नहीं आएगी, जूते हैं नाइकी, कोई इनसे सीखे। पापाया? अंकल नमस्ते। पापाया? कहाँ आया? अरे जब शरीर तंदुरुस्त रहेगा ना, तभी तो तू हमारे गांव में जाके गाय और भैंसन की सेवा उठा पाएगी। जन्मदिन मुबारक। लेकिन एक बात तो यार माननी पड़ेगी, अमित बड़ाना की प्रोडक्शन वैल्यू ना A1 क्वालिटी की होती है। तो अगर आपको HD में गू देखना पसंद है ना, तो आप अमित बड़ाना के चैनल पर चले जाना। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि अमित बड़ाना ठरकी लौंडों के सरताज माने जाते हैं, वो इसीलिए क्योंकि अपने हर एक वीडियो में अमित बड़ाना लड़की को स्टॉक करते रहते हैं। मा
माना लोंडिया तू बड़ी होट है, लेकिन पैसा हम पे भी बहुत है। भाई मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगती है कि आप अपने वीडियो में अब्यूजिव वर्ड्स यूज नहीं करते हो। आपकी वीडियो के लिए हेडफोन्स नहीं ढूंढना पड़ता, यू आर द बेस्ट। अमित भाई की वीडियो हम पूरे परिवार के साथ देखते हैं, सब बहन भाई मिलकर। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अमित प्रणा का चैनल एकदम फैमिली फ्रेंडली चैनल है, जहाँ पे आपको 1% की भी गाली देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, वो बात अलग है कि अमित प्रणा के फैंस इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में गाली लिख के जाएंगे। मतलब अमित प्रणा का चैनल इतना ज्यादा फैमिली फ्रेंडली है ना कि आप समझ सकते हैं कि एक लड़का एक लड़की को कैसे स्टॉक कर रहा है, कैसे घूर रहा है, कैसे पटाता है, ये आप पूरी फैमिली के साथ हॉल में बैठ के टीवी बड़ी स्क्रीन पे देख सकते हैं। मतलब ऐसे पेरेंट किसके हो मुझे बता देना, क्योंकि अगर मैंने गलती से भी टीवी पे गंदी ऐड आ गई ना तो भाई हमको 10 गालियां पड़ती है। और अगर मैंने अपना अमित बड़ाना का वीडियो चैनल चला दिया ना पेरेंट के सामने, तो भाई मेरा 1 साल का इंटरनेट कनेक्शन बैन कर दिया जाएगा। That is not correct. तो जैसे हर एक यूट्यूबर का अपना अपना स्टाइल होता है, वैसे ही अमित बड़ाना का एक अनोखा स्टाइल है। उन्हें हाथ चलाने की बहुत आदत है। क्या बात है, आज तो बड़े प्रेम पत्र दिए जा रहे हैं। पढ़ाई लिखाई करके कुछ ना लगा हाथ। अबे यार, ये तो जिंदगी की सबसे बड़ी जंग है, अंग्रेजी में अपना हाथ तंग। चलो भाई हो जा शुरू। हेलो रिया, हेलो रिया, हेलो रिया, हेलो रिया, हेलो बाबा। अब फिर लोग बोलते हैं कि भाई बंदी नहीं पट रही, भाई बंदी हाँ नहीं बोल रही। भाई बंदी हाँ बोलेगी कैसे भाई, अगर तुम्हें एक बंदी को अप्रोच करना है ना तो तुम्हें भी अमित बनाना की तरह कुछ इस तरह से हाथ हिलाना पड़ेगा। और इनकी हर एक वीडियो में एक चीज तो बहुत कॉमन है, ये अपने दोस्त को थप्पड़े बड़े मारते है। हंस क्यों रहा है, हंस क्यों रहा है? अब मुझे पता है कि मेरे जोक्स कोई एंगल से फनी नहीं होते, लेकिन ये अगर तुम्हें फनी लगता तो तुम्हें मेरे जोक्स पे हंसना पड़ेगा। भाई क्या है ये, अगर तुम किसी को थप्पड़ मारते और वो हंसा नहीं ना तो समझ लेना तुम्हारा दोस्त इस धरती का है ही नहीं। हो, आज के लिए बस इतना काफी है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेरे लाइफ का सबसे टफ वीडियो था। लिटरली अमित बड़ाना की वीडियोस देखना मतलब यार कोई मेंटल टॉर्चर से कम नहीं है। तो भाई अगर तुम्हें अमित बड़ाना की वीडियोस देखनी है ना तो भाई तुम अपने खुद के रिस्क पे देखना, और एक एम्बुलेंस को तो कॉल लगा ही लेना, क्योंकि इनकेस अगर आपको जरूरत पड़ गई तो आप ध्यान रख सकते हैं अपना। एट द एंड मैं ये जरूर कहूंगा कि मैं बिल्कुल भी अमित बड़ाना को हेट नहीं करता, ऐसा नहीं है कि मैं उसे पसंद नहीं करता। अमित बड़ाना बाय नेचर बहुत अच्छा बंदा है, मैंने देखा है उसके फाइन फिस्ट में, वो काफी अच्छा बंदा है बाय जेन्युइन नेचर। लेकिन मुझे प्रॉब्लम उसके सिर्फ कंटेंट से, अगर वो बंदा अपना कंटेंट चेंज कर देना कैसे तो भी, तो भाई वो बहुत अच्छा काफी टैलेंटेड बंदा है वो, बस मुझे कंटेंट भाई उसका मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता। ये कौन सी ओवर एक्टिंग वाली चीज करता है वो, आई डोंट नो भाई, बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता। बट स्टिल तुम अपने थॉट्स मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना, और मैं बता देता हूँ प्लीज हेट मत करना किसी को, मतलब भाई तुम उसको हेट नहीं करोगे बल्कि मुझे हेट करोगे, तो वही बोल रहा हूँ भाई हेट मत करना, मैं बिल्कुल भी उसे परेशान नहीं करता हूँ, हेट नहीं करता हूँ, वो सिर्फ भाई मुझे कंटेंट पसंद नहीं था इसलिए मैंने वीडियो बनाई ताकि तुम समझ जाओ कि जो चल रहा है वो गलत है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड वी जस्ट क्रॉस 20,000 व्यूज इन अवर चैनल इन 3 इयर्स। तो गाइस क्या देरी कर रहे हो यार, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, पुराने हैं तो बेल आइकन दबाओ, और दोनों कर दिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी। और गाइस प्लीज हेट मत करना मुझे यार, प्लीज मजाक में बनाइए वीडियो, तो समझ लो सार्केज्म समझो, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, पीस आउट। चले बंद कर भाई तेरा शो करना शुरू किया, आसमान दिन चालू आसमान में रोल किया, स्टेज पे खड़ा होके मैं ढोल को भी बोल दिया, खोल दिया मैंने अपने आप को और नोकिया, काफी सारे डील को मैं ढील दिया, छीलने का मौका मिला छोटे मैंने छील दिया, बंदियां मिलना चाहती है बैक स्टेज, पूछो जरा कितने सारी बंदियों ने बंदाई को फील किया, ये मैं हूँ पहाड़ी, मेरे पहाड़ी में नो बुक।